स्पेनिश मूवी द रेड थ्रेड। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और अभी ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इस मूवी में एक एयर होस्टेस और एक आदमी को बार बार डेस्टिनी मिलाती है और उनके नहीं चाहते हुए भी डेस्टिनी उनके साथ क्या खेल खेलती है देखेंगे हम इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में साउथ अमेरिका के कंट्री अर्जेंटीना के एक शहर बोनोस एरिस के एयरपोर्ट पर एक एयर होस्टेस चेक इन के लिए रिसेप्शन की तरफ बढ़ रही है। चेक इन के बाद में ये एयर होस्टेस एक काउंटर पे जाके गाना सुनने लग जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पास में एक और आदमी आके सॉन्ग सुनने लगता है। एयर होस्टेस प्रॉपर्ली सॉन्ग को प्ले नहीं कर पा रही थी तो ये आदमी इस एयर होस्टेस की सॉन्ग सिलेक्शन में हेल्प कर देता है और इसके बाद में ये दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। इन लोगों को नहीं पता कि इनकी बिना बात किए हुए ये छोटी सी मीटिंग इनकी जिंदगी को कैसे पूरी तरह से बदल के रख देगा। द रेड थ्रेड जो इस मूवी का नाम है और एक चाइनीज प्रोवर्ब है जो ये कहती है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ योर प्लेस एंड टाइम, आप कहीं पर भी पैदा हो या फिर कहीं पर भी रहे, किस्मत की डोर आपको अगर मिलाने में लग जाए तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता। इस डोर को या तो आप छोटा कर सकते हो या फिर इसको लंबा कर सकते हो, आप इसको कभी भी तोड़ नहीं सकते। डेस्टिनी अगर आपको मिलाने पे उतारू हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मिलने से नहीं रोक सकती। और इसी प्रोवर्ब को प्रूव करता मूवी का अगला सीन है जिसमें ये आदमी जिसका नाम मैनुअल होता है तो वहाँ पर वो एयर होस्टेस जिसका नाम एब्रिल होता है वो एक माइनर बॉय को अपने साथ में लाती है और मैनुअल को कहती है कि ये सीट इसकी है, लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं विंडो सीट प्रेफर करता हूँ। एब्रियल मैनुअल को बताती है कि ये लड़का अपने पेरेंट के बिना जर्नी कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए तुम इसका ध्यान रखना और इसको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला देना। एब्रियल की फ्रेंड एब्रियल को बताती है कि हमारी एक को एयर होस्टेस को कल ड्रिंक करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है, तो एब्रियल कहती है कि मुझे हेडेक की टेबलेट दो और ये सब बकवास मत करो। एब्रियल की फ्रेंड उसको हेडेक की टेबलेट दे देती है। फ्लाइट को टेक ऑफ हुए काफी टाइम हो चुका होता है और अब मैनुअल एब्रियल के अकेले होने का वेट करता है और जब उसकी को एयर होस्टेस पैसेंजर्स को सर्व करने के लिए जाती है तो वो एब्रिल के पास चला जाता है। तो एब्रिल पूछती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या, तो मैनुअल कहता है कि मुझे फ्लाइट की जर्नी से बहुत डर लगता है। तो एब्रिल पूछती है कि तुम आज ट्रेवल क्यों कर रहे हो, बिजनेस के लिए या प्लेजर के लिए? तो एब्रिल कहता है कि मेरे लिए बिजनेस और प्लेजर दोनों एक जैसी चीज है, क्योंकि मैं इनोलॉजिस्ट हूँ जो वाइन बनाने में एक्सपर्ट हूँ और मेरे वाइन बनाने का बिजनेस है। इस बात पे एब्रिल थोड़ी मुस्कुरा देती हैं और वो देखती हैं कि उसके पास में ही उसकी को एयर होस्टेस अपने किसी फ्रेंड के साथ रोमांटिक हो रही थी, जिसको देखकर ये दोनों एक दूसरे के सामने स्माइल पास करते हैं। ये दोनों मिलके कुछ देर और बातें करते हैं, तभी फ्लाइट में एक जर्क आता है तो मैनुअल पूछता है कि क्या ये नॉर्मल है, तो एब्रिल कहती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, फ्लाइट में ऐसा होता रहता है। तो मैनुअल एब्रिल को इशारे में कहता है कि क्या हम दोनों किस करें तो वो भी नॉर्मल होगा क्या? तभी वो एयर होस्टेस जो अंदर अपने फ्रेंड के साथ रोमांटिक हो रही थी वो बाहर आ जाती है, तो फिर मैनुअल वहाँ से चला जाता है और एब्रिल भी अपनी जगह पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद में मैनुअल फिर देखता है कि वो दूसरी एयर होस्टेस पैसेंजर्स को सर्व करने के लिए चली गई है, तो वो फिर से एब्रिल के पास जाता है। तो एब्रिल कहती है कि यहाँ पे बार बार मत आओ, कोई तुम्हें देख लेगा और मुझे काम भी करना है। तो मैनुअल उसको पूछता है कि तुम्हारी बॉडी पे ये टैटूज कैसे हैं, तो एब्रिल अपनी बॉडी पे बने हुए टैटूज मैनुअल को दिखाती है। एक टैटू को दिखाते हुए वो कहती है कि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की निशानी है। एब्रिल मैनुअल को एक टैटू अपने थाइस पे बना होता है वो भी दिखाती है। इसके बाद में एब्रिल मैनुअल को अपनी सीट पे जाने के लिए कहती है, लेकिन किस्मत की डोर इनको मिलाने में जुटी थी। तभी वहाँ पर फ्लाइट में एक जर्क आता है और ये दोनों एक दूसरे से वापस टकरा जाते हैं और अब ये एक दूसरे को बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं और दोनों मिलके यहाँ पे किस करते हैं। इसके बाद में मैनुअल एब्रिल से कहता है कि फ्लाइट लैंड होने के बाद में क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी क्या? तो एब्रिल कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम मुझे कस्टम क्लियरेंस के बाद में मिलना। इसके बाद में मैनुअल वहाँ से चला जाता है, फ्लाइट लैंड करती है। अब मैनुअल और एब्रिल दोनों ही बाहर मिलने के लिए एक्साइटेड थे। एब्रिल की सारी फ्रेंड चली जाती हैं। एब्रिल मैनुअल के क्लियरेंस का वेट करती हैं और उसको लाइन में खड़ा हुआ देखती हैं। लेकिन डेस्टिनी ने यहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और यहाँ एयरपोर्ट पर कस्टम में बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सबका क्लियरेंस थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है।
और सिक्योरिटी सभी पैसेंजर्स को वेट करने के लिए कहती हैं और किसी को भी क्लियर नहीं करती हैं, जिसकी वजह से अब एब्रिल मैनल का वेट करती ही रह जाती हैं और ये दोनों यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। इन लोगों ने किसी भी तरह का फोन नंबर, ईमेल आईडी या कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं लिया था, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हैं और देखते ही देखते 7 साल बीत जाते हैं। अब एब्रिल की शादी हो चुकी होती है, उसका हस्बैंड ब्रूनो जो एक म्यूजिकल रॉक स्टार है और इस हैप्पी कपल का एक 3 साल का बेटा है फेलिक्स। एब्रिल अब मैनल को पूरी तरह से भूल चुकी है, वो अपने बेटे और अपने हस्बैंड ब्रूनो के साथ बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ मैनुअल की भी शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ लॉरा एक फेमस प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और इस हैप्पी कपल की भी एक डॉटर है। मैनुअल की वाइफ लॉरा मैनुअल को हद से ज्यादा प्यार करती हैं। ठीक उसी तरह एब्रिल का हस्बैंड भी एब्रिल को बहुत प्यार करता है और एब्रिल का हस्बैंड ब्रूनो भी एक रॉक स्टार होता है, इसलिए ब्रूनो को भी काफी जर्नी करनी पड़ती थी, इसलिए ब्रूनो और एब्रिल अक्सर अलग अलग फ्लाइट्स में ही घुमा करते थे। आज ये दोनों मिलके फिर अलग अलग फ्लाइट्स ले रहे हैं। एब्रिल और ब्रूनो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन इनको काम की वजह से अलग अलग निकलना ही पड़ेगा और वो कोलंबिया के एक शहर कार्टजीना के लिए निकल जाती हैं। लेकिन किस्मत का धागा एब्रिल को आखिर तो मैनुअल से बांधना चाहता था, तो इधर मैनुअल भी कोलंबिया के इसी शहर में आने के लिए रवाना हो रहा था। कोलंबिया में लैंड होने के बाद में एब्रिल और एब्रिल की फ्रेंड उसके कैप्टन के साथ होटल में अपनी बुकिंग करवा रहे थे, तभी वो देखती है कि उसी होटल में रिसेप्शन पर मैनुअल भी बुकिंग करवाने आया हुआ है और किस्मत की डोर ने इनको फिर एक बार 7 साल बाद में आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। एब्रिल मैनुअल से बिना बात किए हुई वहाँ से जाने लगती है, तो मैनुअल उसके पीछे जाके एब्रिल से बात करता है और कहता है कि भूल गई क्या, लेकिन एब्रिल कहती है कि जानती हूँ तुम इनोलॉजिस्ट हो ना जो वाइन का बिजनेस करते हो, मुझे पूरी तरह से याद है। फिर एब्रिल वहाँ से जाने लगती है तो मैनुअल कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, हमने एक दूसरे को बहुत ढूंढा था लेकिन हम एक दूसरे को मिल नहीं पाए, कम से कम अब ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट पे चल के मेरे साथ लंच तो करना बनता ही है। इंसिस्ट करने पर एब्रिल एग्री हो जाती हैं और मैनुअल के साथ रूफटॉप रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए ऊपर चले जाते हैं। एब्रिल कहती है कि मैं एयरपोर्ट पर 5 घंटे तक वेट करती रही लेकिन तुम नहीं आए, तो मैनुअल कहता है कि मेरा उस शाम को कस्टम क्लियरेंस हुआ ही नहीं था, इसलिए मैं एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाया। फिर ये दोनों एक टेबल पर जाते हैं और लंच का ऑर्डर करते हैं। अब एब्रिल अपने हस्बैंड और अपने बेटे से बात करना चाहती है तो वो देखती है कि यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता है। एब्रिल फिर अपने हस्बैंड ब्रूनो और अपने सन फेलिक्स की फोटो मैनुअल को दिखाती है और मैनुअल भी अपनी वाइफ और अपनी डॉटर की फोटो एब्रिल को दिखाता है और वो कहती है कि आखिर तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल ही गया, तो मैनुअल कहता है कि ये प्यार हम दोनों के बीच में भी हो सकता था, क्या तुम इसके बारे में नहीं सोचती हो, तो एब्रिल कहती है कि नहीं, जो चीजें नहीं हुई है उनके बारे में मैं कभी नहीं सोचती। मैनुअल कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि मुझे उस टाइम तुमसे प्यार हो गया था, तो एब्रिल कहती है कि सिर्फ एक किस करने से तुम्हें प्यार कैसे हो गया, और वो कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरे कैप्टन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है, और एब्रिल थैंक यू कह के वहाँ से निकल जाती है। एब्रिल अपने होटल रूम में जाके अपने हस्बैंड और अपने बेटे से बात करती है, तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड और उसकी को एयर होस्टेस आ जाती है और वो एब्रिल को मैनुअल के बारे में पूछती हैं, तो एब्रिल उसको बता देती हैं कि अब तो वो शादीशुदा हैं, अब उसका एक बच्चा भी है और एक बहुत ही प्रिटी सी वाइफ भी है। एब्रिल कहती हैं कि ये सब छोड़ो, कैप्टन की बर्थडे पार्टी का टाइम हो गया है, जल्दी से रेडी हो जाओ, चलते हैं। दूसरी तरफ मैनुअल अपने रूम में बैठा बैठा अपनी वाइफ से लैपटॉप पे बात करता है और थोड़ी देर बाद में बोर होने की वजह से होटल की छत पे आ जाता है, जहां से वो देखता है कि एब्रिल अपने कैप्टन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में खूब इंजॉय कर रही है। एब्रिल जब मैनुअल को बाहर खड़ा देखती है तो वो उसको अंदर बुला लेती है और यहाँ पे डीजे कह रहा होता है कि सब अपना अपना पार्टनर चॉइस कर लो, सबको यहाँ पे कपल डांस करना है, तो एब्रिल मैनुअल को हाथ पकड़ के डांस फ्लोर पे ले जाती है और वो उसके साथ डांस करने लगती है। ये किस्मत की डोर ही थी जो इनको बार बार दूर जाने के बाद में भी करीब लाए जा रही थी। दिस इज द इनविजिबल थ्रेड ऑफ डेस्टिनी विच कनेक्ट द पीपल। यूनिवर्स की सीयर रैंडमनेस के बावजूद भी आपका किसी खास आदमी से बार बार मिलना डेस्टिनी ही कहा जाएगा। यही तो इस मूवी का नाम है, द रेड थ्रेड। वो थ्रेड जो हमें एक दूसरे से बांधे रखता है, एक दूसरे की तरफ खींचता है, एक दूसरे से दूर भी ले जाता है, लेकिन ये डोर कभी टूटती नहीं।
कभी न कभी कहीं न कहीं जिनको मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं। ठीक ऐसा ही एब्रिल और मैनुअल के साथ हो रहा था। डांस करने के बाद में ये दोनों होटल की छत पे चले जाते हैं और थोड़ी बातें करते हैं, तो मैनुअल एब्रिल को कहता है कि कल साइट सीइंग करने चलेंगे क्या। लेकिन एब्रिल बिना कोई जवाब दिए मैनुअल को बाय कह के जाने लगती है। जाने से पहले वो मैनुअल को गाल पे किस करती हैं, तो मैनुअल उसको वापस से किस करने लगता है, तो वो दोनों कुछ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। लेकिन जल्दी ही एब्रिल पीछे हट जाती हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर एब्रिल अपने हस्बैंड ब्रूनो और अपने सन फेलिक्स से वेबकैम पे बात करती हैं। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी का थोड़ा इश्यू था, इसलिए अब एब्रिल अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पा रही हैं। तो एब्रिल ने सोचा कि अब होटल में बोर होने और टीवी देखने से तो अच्छा है कि बाहर कहीं घूम के आया जाए, और वो कंफर्टेबल क्लोथ्स में अपने रूम से बाहर निकल जाती हैं। वो अपनी फ्रेंड को साथ में ले जाना चाहती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि उसकी फ्रेंड कैप्टन के साथ रोमांस कर रही हैं, तो खुशी खुशी वो उन दोनों को अकेला छोड़ के खुद अकेली ही साइट सीइंग के लिए निकल जाती है। जाते समय एब्रिल देखती हैं कि मैनुअल अपनी वाइन की बोतल को एग्जीक्यूटिव्स को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। मैनुअल एब्रिल के पास आके पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या। तो एब्रिल कहती है कि मुझे आर्ट फेयर में जाना है, लेकिन मैं मैप रीडिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कैसे जाऊँ। तो मैनुअल कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो एब्रिल कहती है कि नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। तो फिर मैनुअल अकेला ही साइट सीइंग के लिए जाने लगता है, जिसको देख के एब्रिल काफी इम्प्रेस होती है कि उसने किसी भी चीज के लिए उसको फोर्स नहीं किया, और अब एब्रिल भी मैनुअल के साथ साइट सीइंग के लिए चली जाती है। ये दोनों मिल के काफी साइट सीइंग करते हैं, एक आर्ट फेयर में जाते हैं जहाँ से ये लोग बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। मैनुअल यहाँ से एक आर्ट रिंग बाय करता है जो वो एब्रिल को देना चाहता है। यहाँ पर काफी देर घूमने के बाद में ये दोनों एक जगह दीवार पे जाके बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। यहाँ पे एब्रिल मैनुअल को कहती है कि यहाँ पे कितना फ्री फील होता है, यहाँ पे कितना लिबरेटिंग फील होता है, और एब्रिल उठ के मैनुअल को किस करने लग जाती है। और तभी यहाँ पे बारिश होने लग जाती है और ये दोनों उठ के एक टनल में चले जाते हैं। लेकिन एब्रिल अपने आप को रोकना नहीं चाहती थी, वो टनल के फिर बाहर चली जाती है और वो बारिश को अब इंजॉय करने लगती है। द रेड थ्रेड, किस्मत की वो डोर जो इनको पहली बार एयरपोर्ट पर मिलवाने के बाद में काफी खिंच गई थी, अब वो डोर वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और इन दोनों को बेहद करीब ले आई है। लाइफ में बारिश कोई प्लान नहीं कर सकता, सेरेंडिपिटीज कोई प्लान नहीं कर सकता, रैंडमनेस और चांसेस कोई प्लान नहीं कर सकता, ये सब डेस्टिनी है। और इसी डेस्टिनी के चलते एब्रियल और मैनुअल एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटीमेट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैनुअल एब्रिल को वही रिंग गिफ्ट करता है जो वो आर्ट फेयर से कल लेके आया था। थोड़ी देर बाद में मैनुअल की वाइफ का फोन आता है, तो एब्रिल बड़े ध्यान से सुनती है। वो सुनती है कि मैनुअल ये कह रहा है कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ, मुझे एक दो दिन और लग जाएंगे, और वो अपनी वाइफ से झूठ बोल रहा होता है, जिसकी वजह से एब्रिल को ऐसा लगा कि वो भी तो ऐसा ही कर रही है और उसको थोड़ा गिल्टी फील होने लगता है। मैनुअल एब्रिल को पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो, मेरी वाइफ का कॉल आंसर किया इसलिए तुम अपसेट हो गया। तो एब्रिल कहती है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम किसी और के साथ हो। तो मैनुअल कहता है कि वो तो तुम भी हो ना, तुम्हारा भी तो एक हस्बैंड है ना। तो एब्रिल कहती है कि यही तो प्रॉब्लम है, हम दोनों प्यार सच में किसी और से करते हैं और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो मैनुअल कहता है कि हमारा फ्यूचर है, हमारा चांस है। तो एब्रिल कहती है कि कोई चांस नहीं है, एक ही टाइम में दो आदमियों को प्यार में नहीं कर सकती, और इसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकती। और वो अपसेट होके रोते रोते वहाँ से चली जाती है। रोते हुए एब्रिल अपने घर की तरफ निकल जाती है और मैनुअल भी अपने घर की तरफ उदास मन से चला जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं। अब मैनुअल का मन अपने काम में भी नहीं लग रहा होता है। वो बार बार फेसबुक पर एब्रिल की फोटोज देख के अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करता है। थक हार के मैनुअल अब एब्रिल को मैसेंजर पर मैसेज करता है कि अब मुझसे सहन नहीं होता है, चलो मिलते हैं। इंस्टेंटली मैसेज को एब्रिल पढ़ती है और कुछ सोचने के बाद में वो रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। इस जवाब को पढ़कर मैनुअल काफी डिसअपॉइंट हो जाता है, और एब्रिल ने भी ये जवाब अपनी खुशी से नहीं लिखा था। उसको पता था कि वो मैनुअल से मिलती रहेगी तो चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था।
लेकिन किस्मत की डोर द थ्रेड ऑफ डेस्टिनी ने कुछ और ही प्लान किया था। आज मैनुअल की वाइफ लॉरा, जो कि एक फेमस प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, आज ब्रूनो, जो कि एक म्यूजिक रॉक स्टार है, उसका फोटो शूट कर रही है और उसके साथ में उसकी वाइफ एब्रिल भी आई है। ऐसे तो मैनुअल कभी भी अपने वाइफ की फोटो शूट साइट पे नहीं आता है, लेकिन आज उसकी एक फ्लाइट कैंसिल हो गई है, इसलिए वो यहाँ पर आ गया है और किस्मत की डोर ने फिर से एब्रिल और मैनुअल को एक ही जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है। मैनुअल की वाइफ लॉरा मैनुअल को एब्रिल और उसके हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। उसको क्या पता कि एब्रिल और मैनुअल तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। ब्रूनो और लॉरा फोटोशूट में बिजी हो जाते हैं तो इधर मैनुअल और एब्रिल आपस में बात करने लगते हैं। तो एब्रिल पूछती हैं कि तुम यहाँ पे आए ही क्यों, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। लेकिन मैनुअल कहाँ मानने वाला था, वो एब्रिल के साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है तो एब्रिल उसको रोक देती है। तो मैनुअल कहता है कि यहाँ से कुछ भी एक्सक्यूज करके निकल जाते हैं, मेरे साथ तुम होटल रूम में चलो। तो ये सुन के एब्रिल को थोड़ा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है और मैनुअल वहाँ से अपने होटल रूम में चला जाता है। लेकिन एब्रिल से भी कंट्रोल हो नहीं रहा था तो वो फाइनली मैनुअल के रूम में जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। तभी वहाँ पे फोन रिंग करने लगता है और जब एब्रिल फोन पिक करती है तो उसको पता चलता है कि उसके फोन पे 20 मिस कॉल आए हुए हैं जो उसने पिक नहीं किए क्योंकि वो मैनुअल के साथ रोमांटिक हो रही थी। आज वो अपने बेटे फेलिक्स को स्कूल से पिक करने जाने वाली थी, लेकिन बीच में मैनुअल आ गया और वो उसके साथ रोमांटिक होने के चक्कर में अपने बच्चे को स्कूल से पिक करना भूल गई। तो उसकी टीचर ने एब्रिल को बहुत बार कॉल किए और फाइनली उसने फेलिक्स के डैड ब्रूनो को बुला के फेलिक्स को स्कूल से पिक करवाया। अब एब्रिल इस बात से बहुत डर जाती है कि वो मैनुअल के साथ रोमांटिक होने के चक्कर में किस तरह अपनी फैमिली को खतरे में डाल रही है। अब एब्रिल रोते हुए अपने घर पे जाती है और घर पर जाकर एब्रिल अपने बेटे फेलिक्स को देखती है कि वो सो रहा है। तो अब एब्रिल को अपनी गलती का एहसास हुआ। दूसरी तरफ मैनुअल की वाइफ लॉरा फोटोशूट साइट पे उसके द्वारा ली हुई मैनुअल और एब्रिल की कुछ फोटो वो मैनुअल को बताती है और एक स्पेसिफिक फोटो को जूम करके दिखाती है जिसमें मैनुअल काफी इंटेंस होके एब्रिल की तरफ देख रहा था। अब लॉरा एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थी, वो किसी की भी फेस रीडिंग कर सकती थी, वो चेहरे पे आए इमोशंस को इजीली पढ़ लेती और उसको अब पता चल गया कि एब्रिल और मैनुअल के बीच में अफेयर चल रहा है। तो वो लॉरा को कहता है कि मैं तुम्हें ये सब बताने ही वाला था। तो लॉरा कहती है कि क्या मतलब है बताने ही वाला था, मतलब तुम किसी से भी मिले, तुम्हें प्यार हो गया, तुम उसके प्यार में पड़ गए और मेरा टाइम खत्म। तो मैनुअल कहता है कि देखो ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं, दीज थिंग्स हैपन। तो लॉरा कहती है कि मेरे साथ तो नहीं होती, ऐसी चीजें तुम्हारे साथ ही क्यों होती है, मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली औरत तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एब्रिल भी अपने घर में बहुत दुखी होती है, ना तो वो मैनुअल के साथ ओपनली रह सकती है और ना ही क्लियरली अपने हस्बैंड को उसके बारे में बता सकती है, वो अंदर ही अंदर घुट रही होती है। उसको बार बार परेशान और रोता हुआ देख के उसका हस्बैंड ब्रूनो कहता है कि तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो, तुम मुझे क्लियरली बताती क्यों नहीं हो। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर अब एब्रिल कह देती है कि उसने झूठ बोला था, वो उस दिन उसके बेटे फेलिक्स को इसलिए लेने नहीं गई थी क्योंकि वो एक आदमी मैनुअल के साथ रोमांटिक हो रही थी और काफी टाइम से उसके साथ रिलेशन में है। ये सुन के ब्रूनो काफी शॉक हो जाता है और वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से जा रही हूँ। तो उसका हस्बैंड ब्रूनो कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और ना ही फेलिक्स तुम्हें कभी माफ कर पाएगा। इस बात पे एब्रिल बहुत रोती है लेकिन वो नहीं चाहते हुए भी अब घर को छोड़ के जा रही थी। वो टेक्स्ट करके मैनुअल को एयरपोर्ट पे बुलाती है और भारी मन से अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए टैक्सी में बैठ जाती है और हमेशा हमेशा के लिए मैनुअल के साथ रहने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। अब मैनुअल एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है और भारी मन से रोते हुए एब्रिल भी एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। एब्रिल कार में बैठी बैठी मैनुअल को देख के बहुत रोती है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, वो अपने हस्बैंड और बेटे को छोड़ के आई है और मैनुअल के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। ये वही सपना है जो उसने कई सालों पहले अपने हस्बैंड के साथ भी देखा था। अब वो एक नई खुशी की तलाश में अपनी सारी दुनिया छोड़ के निकल पड़ी है। भारी मन से हिम्मत बटोर कर एब्रिल मैनुअल को मैसेज करती है कि मैं आज तुमसे नहीं
नहीं मिल सकी। एब्रिल मैनुअल को मैसेज पढ़ते हुए कार के अंदर से ही देखती है। वो डिसअपॉइंट होके अपना फोन अपनी कोट की जेब में रख देता है। एब्रिल ड्राइवर को बोलती है कि चलो यहाँ से, और वो फिर से अपने घर की तरफ चली जाती है, क्योंकि डेस्टिनी की डोर तो उसके हस्बैंड के साथ भी जुड़ी थी, उसके बच्चे के साथ भी जुड़ी थी, जो अब फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और उसकी फैमिली को वापस पास्ट लाने का काम कर रही है। रैंडम इमोशनल आउटबर्स्ट ने एक ऐसा इरेशनल डिसीजन एब्रियल को लेने पे मजबूर कर दिया और वो एक झटके में वापस अपने घर की तरफ मुड़ गई है। क्या वो मैनुअल से कभी मिलेगी? किसे पता, डेस्टिनी, किस्मत, किसे कब कहां कैसे मिला दे कोई नहीं कह सकता। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।